नमस्कार, इन समाचार में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में आज से गंदगी चले जाओ अभियान, सीएम स्वतंत्रता दिवस में करेंगे घोषणा। शहरों के साथ साथ गांव में भी गंदगी हटाने के लिए राज्य सरकार ये बड़ी मुहिम चलाने जा रही है। शुरुआत शहरों से होगी ताकि कहीं भी कचरा ना दिखाई दे। इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। गंदगी को दूर करने के साथ ही कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने का भी अभियान चलाया जाएगा। खेत की भरपाई के लिए रिलायंस को देना होगा 50 लाख से अधिक का हर्जाना। संगरौली का किसान 5 साल से लड़ रहा था कानूनी लड़ाई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सिंगरौली के जिले के किसान कृष्णदास शाह के हक में फैसला सुनाते हुए रिलायंस सासन पावर प्रोजेक्ट को 46.84 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रातः मुख्यमंत्री निवास पर झंडा वंदन किया तथा सलामी ली। राष्ट्रगान हुआ तथा भारत माता की जय का उद्घोष हुआ। मुख्यमंत्री ने आजादी के इस पावन पर्व पे सभी को शुभकामनाएं दी हैं। भगवान महाकाल के मस्तक पर तिरंगा लहराया। सफेद, हरा और केसरी लाइट से जगमगा उठा मंदिर परिसर। अब जानते हैं मौसम का हाल। प्रदेश के जबलपुर, गुना, दमोह, सागर, छतरपुर, रायसेन और अशोकनगर समेत 18 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। आज के लिए बस इतना ही। सभी देशवासियों को इन समाचार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।